हेलो गाइस, मेरा नाम है लकी वर्मा और मुझे ज़्यादा लकी वर्मा नाम से जानते हैं। वैसे मेरा नाम राजेश कुमार है। सो आपने मुझे कहीं ना कहीं देखा भी होगा, ये टीवी सीरियल में भी देखा होगा या रियलिटी शो में भी देखा होगा। सो मेरा काफ़ी टाइम से बोल्डनेस स्टार्ट हुआ, 3-4 ईयर्स से। सो मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया एंड काफ़ी टाइम से हो गया, 2018-19 से मैं QST से जुड़ा हुआ हूँ। सो इतना प्रॉब्लम हो गया कि मुझे लास्ट में हेड ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो बॉलीवुड है, उसमें क्या कि लोग फेस का लुक एंड हेयर का लुक ज़रूरी होता है। सो काफ़ी 3-4 ईयर्स बाद मैं यहाँ पे विजिट किया, यहाँ पे आके मैंने सबसे बात किया तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ के जो साफ़ सफाई हुआ एंड डॉक्टर्स हुआ, जो स्टाफ हुआ, मुझे उनका नेचर ही बहुत अच्छा लगा। मैंने कॉल डिपार्टमेंट से बात किया तो उनका सपोर्ट अच्छा रहा उनकी तरफ से, एंड उनका जो नेचर था वो भी मुझे बहुत सही लगा। सो मुझे अभी हेयर ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट बताया गया है और 3500 ग्राफ्ट बताए गए हैं, उनमें अप्रोक्स कितना होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, वो अभी पता चलेगा मुझे आफ्टर सर्जरी के बाद। क्लिनिक के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी कि मैं 2018-19 से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ के लिए, और वही मेरे जो वहाँ पे आर्टिस्ट है जिनके लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, जैसे राजपाल सर है एंड बहुत सारे हैं आर्टिस्ट, तो उन्होंने भी यहीं से भी ट्रांसप्लांट करवाया, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा और पुश मिला। सो मैंने वापस रिटर्न इधर कॉल किया और विजिट किया। मैंने YouTube पे सर्च किया तो यहाँ का जो रिजल्ट्स है वो मुझे बहुत सारे क्लिनिक से बेटर लगे, क्योंकि हेयर लाइंस भी नेचुरल है और जो ग्राफ्ट्स है वो भी बहुत अच्छे से वो पॉइंट करते हैं, और जो फेस का जो लुक होता है वो अच्छे से ये बनाते हैं, जो एक आर्टिस्ट बनाता है वैसे ही यहाँ के जो स्टाफ वो बनाते हैं। सो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। सर्जरी के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा नहीं भी लग रहा है। सो देखते हैं कैसा, तो अपन आफ्टर सर्जरी के बाद मिलते हैं। मिलिए हमारे पेशेंट से, जो 25 साल की उम्र में नॉर्वुड डिफ्यूज Grade 5 बॉल्डनेस के सीवियर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट की हेयरलाइन रिसीड हो गई है और फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग विजिबल है। इतनी यंग एज में ऐसी हेयर लॉस की सिचुएशन अपीयरेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डीप इम्पैक्ट डाल सकती है, लेकिन इस केस में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है पेशेंट का डेंसली पॉपुलेटेड डोनर एरिया। ये एरिया हेल्दी फॉलिकल्स प्रोवाइड करता है, जो कि सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत जरूरी है। QHT क्लिनिक में हम इस एडवांटेज को अपने एडवांस्ड रेस्टोरेशन टेक्निक्स के साथ यूज करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स के साथ कम्प्लीटली रेजोनेट करती हुई कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की है, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7.1 सेंटीमीटर के प्रिसाइज डिस्टेंस पे मार्क किया गया है। ये स्पेसिफिक प्लेसमेंट पेशेंट की ओवरऑल फेशियल हार्मनी को एनहेंस करने के लिए किया गया है, जिससे पेशेंट का ओवरऑल लुक और भी बैलेंस्ड और एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेगा। फाइनली मेरा सर्जरी डन हो गया और 4000 मुझे ग्राफ्ट लगे हैं, और ये मिनिमम 4 से 5 घंटे में टाइम लगा मुझे इसमें, और बहुत अच्छी तरीके से कम्प्लीट हुआ है, नहीं तो पेनफुल और ना ही किसी का टेंशन ना कुछ। और जितने भी डॉक्टर्स थे, जितनी भी फैमिली है QST की, उतना इतना हेल्पफुल थी, और क्विकली कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्विकली सॉल्व हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था मीन्स। और यहाँ के QST की फैमिली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके, छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो एक मिनट में क्लियर होती है। अगर आप भी ये मेरी तरह वीडियो देख के इधर आना चाहते हो तो क्लिनिक पे नंबर दिए हुए ऊपर डिस्प्ले पे कॉल कर सकते हो, कोई भी इंक्वायरी कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर सर्जरी मुझे हल्का सा चिंटी जैसा पेन हुआ है, चिंटी काट दी उतना पेन हुआ, उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने बैठा हूँ, अच्छे से बात भी कर रहा हूँ। हेयरलाइन मेरे फेस के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, जैसे बहुत लोग देखते हैं कि उसकी हेयरलाइन या उसकी हेयरलाइन वैसा ही मुझे बनाना है, वैसा कुछ नहीं होता। जैसा फेस होता है, जैसा फेस पे स्ट्रक्चर सेट होता है हेयरलाइन का, उस पॉइंट के हिसाब से हेयरलाइन क्लियर होता है। सो उसी तरह से मुझे भी बनाया गया है, मेरा भी हेयरलाइन बनाया गया है। मुझे मेरी हेयरलाइन अभी बेस्ट लगी है, अभी वेट है रिजल्ट का। आफ्टर 8 मंथ या 7 मंथ में मेरा रिजल्ट होगा, आपके सामने दिखाई देगा। प्रोसीजर के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को केयरफुली इम्प्लांट किया है, जिससे हेयरलाइन में नेचुरल लुक अपीयर होगा। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स का यूज किया गया है, जिससे ट्रांसप्लांटेड हेयर पेशेंट के नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न को मिमिक करेगा,
जिससे ओवरऑल नेचुरल अपीयरेंस मिलता है। इस प्रोसीजर में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया है। Five months post transplant at PHT clinic, the results are super impressive. Patient ke facial features ko significantly enhance karte hue, hairline ab completely defined ho chuki hai. Scalp par ab voluminous aur dense hair growth visible hai, jo pehle ki thinning areas ko totally transform kar raha hai. Isse patient new haircuts try kar pa rahe hain, jo pehle baldness ki wajah se possible nahi the. ट्रांसप्लांटेड और नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर्स भी सीमलेसली मर्ज हो गए हैं, जिससे एक यूनिफॉर्म और नेचुरल अपीयरेंस मिला है। मोरओवर, पेशेंट ने अपने सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस में भी काफी इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट किया है। इन कंक्लूजन, हमारे पेशेंट का 5 month हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी QHT क्लिनिक में काफी रिमार्केबल रहा है। डिफाइंड हेयरलाइन, डेंस ग्रोथ और ट्रांसप्लांटेड और नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर का सीमलेस इंटीग्रेशन प्रोसीजर की सक्सेस को हाईलाइट करता है, जिससे पेशेंट की कॉन्फिडेंस और लाइफ क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम इस जर्नी के बारे की अपकमिंग अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।